नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम को कवर करेंगे, वो है श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट। ये स्कीम है गुजरात गवर्नमेंट की। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टारगेट करती है हेल्थ सिस्टम को और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है वो भी पैसा दे रहा है, तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसमें जुड़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट, इसके सबसे पहले फुल फॉर्म है सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट। तो हेल्थ आ गया, किसके लिए डेडिकेटेड है ये? हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। फुल फॉर्म ध्यान से देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट कहाँ पे है? गुजरात में। वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए 350 मिलियन एड को अप्रूव कर दिया है इस प्रोजेक्ट में, जिसका नाम है श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है, इसका एम है हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जो है गुजरात में उसको ट्रांसफॉर्म करना। ये एक ट्रांसफॉर्मिंग की तरह काम करेगा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम गुजरात में। ये जो प्रोग्राम है ये फोकस करेगा की एरियाज में, जो कि इम्प्रूव करेंगे इक्विटी, क्वालिटी और इंक्लूसिवनेस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, खासकर जो एडोलिसेंट गर्ल्स हैं स्टेट में उनमें। तो एक तो इसका टारगेट है क्या? हेल्थ सिस्टम। और हेल्थ में भी जो मेन इनका टारगेट होने वाला है वो एडोलिसेंट गर्ल्स में होने वाला है, क्योंकि आगे हम देखेंगे किस प्रकार से कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे लड़कियों में बहुत ज्यादा अनीमिया देखने को मिलता है। तो एक बार फिर देखिए कि फोकस क्या है इसका की एरियाज में, ताकि क्या इंप्रूव किया जाए, इक्विटी, क्वालिटी और इंक्लूसिवनेस जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज की, खासकर एडोलिसेंट गर्ल्स के लिए स्टेट में गुजरात में, उसे इंप्रूव किया जाए। ये फोकस करेगा डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम की जो कैपेसिटी है गुजरात के, उसको बढ़ाने में, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। इसका एम है कि स्टेट की जो क्वालिटी है साइकेट्रिक और नॉन कम्युनिकल डिजीजेस की, उनकी जो सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटीज को इंक्रीज किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। उसके साथ साथ चिल्ड्रन, बच्चे और जो मदर्स हैं उनको क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन जो है सर्विसेज उनको प्रोवाइड किया जाए, यानी वैसी सर्विसेज जिनके माध्यम से उन्हें न्यूट्रिशन दी जाती है, अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए, एक माल नरिशमेंट अभी भी दुर्भाग्यवश इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माल नरिशमेंट का मतलब होता है न्यूट्रिशन की कमी। इसमें से दो डिजीजेज आपने याद रखनी है, क्वाशियोरकर और मारास्मस, जिनके बारे में आपको जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक है उसमें भी मेंशन मिलता है। तो ये माल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाली बीमारियां हैं कौन कौन सी? क्वाशियोरकर और मारास्मस। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन की कमी। तो ये हमारे भारत में अभी भी देखो 75 साल की आज़ादी के बाद भी बहुत सी महिलाओं में और बच्चियों में हमें माल नरिशमेंट अभी भी देखने को मिलती है। तो अभी भी ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इंडिया के लिए, एक देश के रूप में भी और बहुत से स्टेट्स में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके माध्यम से हम सेकेट्रिक और नॉन कम्युनिकल डिजीजेज जो है स्टेट में गुजरात में, उसकी क्वालिटी को तो इम्प्रूव करेंगे, जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती हैं उनकी डिजीज के लिए या उनको रोकने के लिए या उनको, है ना, जैसे दवाइयाँ वगैरह या जो भी सर्विसेज हैं वो सारी, उसको तो इम्प्रूव किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो क्वालिटी न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं उसको भी इम्प्रूव किया जाए चिल्ड्रन और मदर्स में। अब ये जो स्कीम है इसका स्पेशल फोकस, जैसे मैंने बताया, हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस जो है एडोलिसेंट गर्ल्स और बॉयज़ का, उसको इम्प्रूव करना है स्पेशली 14 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो 14 डिस्ट्रिक्ट्स में इसलिए क्योंकि ये जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात के, यहाँ पे 70% एडोलिसेंट गर्ल्स हैं जो सफ़र करती हैं अनीमिया की। अनीमिया में एक कारण होता है कि आयरन की कमी हो जाती है ब्लड में। आपको पता है हमारे ब्लड में Fe होता है, आयरन होता है, तो उसकी कमी हो जाती है तो हम उसको एनीमिया कहते हैं। तो 70%, अ वूपिंग 70%, ये बहुत बड़ा नंबर है। कितनी ज्यादा 14 डिस्ट्रिक्ट में 70% लड़कियां हैं जो वहां पर एनीमिया का शिकार हैं, एनीमिया से जूझ रही हैं। कारण यही कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से हेल्थ और न्यूट्रिशन जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने में ये जो स्कीम है ये फोकस करेगी। अब इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट होने वाली है वो 500 मिलियन यूएस डॉलर्स होगी, जिसमें से जो 350 मिलियन यूएस डॉलर है वो वर्ल्ड बैंक देगा और बाकी का जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड करेगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो इसे फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा।
तो इस हिसाब से ये जो पैसे हैं ये यूज किए जाएंगे 500 मिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से 350 वर्ल्ड बैंक देगा और बाकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी और उससे फिर ये जो स्कीम है इसको ग्राउंड जीरो तक पहुंचाया जाएगा। ये जो स्कीम है इसको स्टेट गवर्नमेंट में, गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करेगा, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है स्टेट का वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा ग्राउंड जीरो में। इस प्रोजेक्ट के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की वो काफ़ी इनिशिएटिव्स लेगी ताकि स्टेट का जो हेल्थ सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके। कैसे? बाय एक्सपेंडिंग द हेल्थ सर्विसेज टू द अर्बन एज वेल एज द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो अलग अलग प्रकार के सर्विसेज जो हैं, स्कीम जो हैं, वो इसके तहत लॉन्च की जाएंगी, जिसके तहत जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी पहले तो क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाए और उसके साथ साथ वो सारों तक पहुंचाई जा सके, अर्बन एरियाज तक भी और रूरल एरियाज तक में, और इक्वली पहुंचाई जा सके ताकि सारे के सारे जो लोग हैं या जहां पर भी न्यूट्रिशन पाई जाती है वहां पर उन सारों को इसका लाभ पहुंचे। और जो माल नरिशमेंट जो पाई जा रही है खासकर 14 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर 70% जो बच्चियां हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, वो अनीमिया का शिकार हैं, तो उनको टारगेट किया जा सके, उनको इम्प्रूव किया जा सके। इसके साथ साथ जो गुजरात की स्टेट है वो स्टेट की एपिडेमिक जो प्रिवेंशन सिस्टम है उसे भी स्ट्रेंथन करेगा इस स्कीम के माध्यम से। एपिडेमिक प्रिवेंशन सिस्टम क्या हुआ? देखिए एपिडेमिक्स क्या होती है, कोई ऐसी बीमारी जो बहुत ही रैपिडली बड़ी जल्दी से एक स्पेसिफिक एरिया की जो पॉपुलेशन होगी उसमें फैल जाती है। तो जब एक स्पेसिफिक एरिया में पूरे देश में, पूरे स्टेट में, पूरे दुनिया में नहीं, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में जब ऐसी कोई बीमारी फैलेगी तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या बन गई, ये बन गई एपिडेमिक। जैसे कि हमने बात करी पैंडेमिक की, जैसे हमने बात करी कोरोना की, कोरोना के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई है, कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ मैंने उसमें कवर किया है। इसके साथ साथ मैंने उसके कुछ वेरिएंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है, जैसे कि ओमिक्रॉन जो कि काफ़ी डेडली वेरिएंट माना गया, तो इन दोनों के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन हमने कोविड को एंडेमिक तो नहीं कहा, क्या कहा? पैंडेमिक। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये बीमारी जो है ये फैली। जब एक पैन एक पूरी दुनिया में फैली गई तो क्या बोला गया? पैंडेमिक। एक पर्टिकुलर एरिया में फैली जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक। जो एक पर्टिकुलर एरिया में उस एरिया के पॉपुलेशन के अंदर फैली और बड़ी तेजी से फैली तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एपिडेमिक। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एंडेमिक। हमने एपिडेमिक देखा, हमने पैंडेमिक देखा। पैंडेमिक का सीधा मतलब है कि पैन यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन में पूरी दुनिया में फैल गई। एंडेमिक और एपिडेमिक देखो, एपिडेमिक का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड कोई डिजीज जो एकदम से फैल गया, हमें पता ही नहीं भाई कि पहले ये कहाँ से आ गई, उसको हम बोलेंगे एपिडेमिक है। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में होगी, एक ज्योग्राफिकल एरिया में होगी और एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें होगी। एक होती है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब हुआ कि एक बीमारी है ज्योग्राफिकल, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के पॉपुलेशन में है। पर फर्क यहाँ पे इतना आता है कि ये कंसिस्टेंट है, ये पाई जा रही है काफी समय से, काफी सालों से। जैसे कि कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं दुनिया में जहां पर जो मलेरिया है वो वहां का एंडेमिक है, पोलियो जो है अभी तक वो एंडेमिक है, यानी कि ये भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में है, ज्योग्राफिकल एरिया के एक पॉपुलेशन में है। लेकिन फर्क क्या है कि ये कंसिस्टेंट है, तो हम क्या बोल दिया इसको कि कंसिस्टेंट है, तो इसको क्या बोल दिया? ये बोल दिया एंडेमिक। एपिडेमिक यानी कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही है, उसकी पॉपुलेशन में ही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड राइज इन दैट डिजीज, दैट इज व्हाट यू कॉल एपिडेमिक। और पैंडेमिक तो बता दिया कि पूरी दुनिया में। तो इस जो ये जो स्कीम है इसके माध्यम से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, वो स्टेट के जो एपिडेमिक प्रिवेंशन सिस्टम है उसे भी इम्प्रूव करना चाहती है, स्ट्रेंथ करना चाहती है। ये है श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट। तो ये था इस स्कीम और इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।